आपके साथ। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर मामले में पीड़ित परिवार से शुक्रवार को सीबीआई ने बातचीत की। परिवार ने अस्पताल के कुछ इंटर्न और डॉक्टर्स पर इस केस में शामिल होने का शक जताया है। सीबीआई ने कहा कि पीड़ित परिवार ने कुछ नाम लिखाए हैं, हम अभी 30 लोगों से पूछताछ करेंगे। सीबीआई ने कहा कि आज दो पीजी ट्रेनी डॉक्टर और एक हाउस स्टाफ को पूछताछ के लिए बुलाया। घटना वाली रात ये लोग पीड़ित डॉक्टर के साथ ड्यूटी पर थे। राधा गोविंद कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को हिरासत में लिया है, उनसे भी पूछताछ होगी। साथ ही एजेंसी गिरफ्तार आरोपी संजय रॉय को घटना का सीन रिक्रिएट करने के लिए राधा गोविंद कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल लेकर पहुंची। संजय को 9 अगस्त को ही गिरफ्तार किया गया था। वही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी आज नया आदेश जारी किया। मंत्रालय ने कहा कि मेडिकल संस्थानों को हेल्थ केयर वर्कर पर हमले के 6 घंटे के अंदर ही FIR दर्ज करानी होगी। मंत्रालय का यह फैसला मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर मामले और 14 अगस्त को इसी कॉलेज में हुई हिंसा को लेकर आया। ममता बनर्जी हमें चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, भाजपा नेता ने यह बयान दिया। वह कह रही हैं वह चाहती है कि दोषियों को फांसी दी जाए, लेकिन असलियत में वैसा नहीं चाहती। पुलिस हमेशा हमें रोकने की कोशिश करती रही। बंगाल के लोगों के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी इस आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही हैं। हमारा विरोध जारी रहेगा। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि 14 अगस्त की रात को हिंसा करने वाले सभी लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। सबूत मिटाने के लिए तोड़फोड़ की गई। TMC और भाजपा ने आपस में एक खेल खेला है, दोषियों को कड़ी सजा होनी चाहिए। इसी के साथ बने रहिए एशियन न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।